हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके वाला जो पार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को 42 प्रश्न का सेट एक मिलेगा। 42 प्रश्न में आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। आपको बताना है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। 2 में है, भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? आपको बताना है भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको बताना है भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है। अगर आप लगा रहे हैं 2 का सही जवाब डी हो जाएगा, नाग जो है भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र है। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 में है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? आपको बताना है भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 में है, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? आपको बताना है देश का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। अगर 4 के आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, NH7 जो है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 में है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? आपको बताना है थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7 कमानों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? आपको बताना है भारतीय बैंक किसे माना जाता है पूर्णतः। अगर 6 का आप लगा रहे ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी 6 का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 में है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा गया है? आपको बताना है भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है। 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कमानों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। 8 में है, 14वां बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। अगर आप सही जवाब हो जाएगा 19 जुलाई 1969। 9 देखेंगे। 9 में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। अगर 9 का आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 में है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है। अगर आप लगा रहे हैं 10 का डी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देहरादून में स्थित है भारतीय नौसैनिक अकादमी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 में है, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपको बताना है 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1980 में किया गया था। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? आपको बताना है 12 में निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 में है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 में है,
वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। आपको बताना है 15 में है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है। आपको बताना है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओसवान सिमर्थ जो है आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, 16 में है भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ। आपको बताना है भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में स्थित है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में है 17, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है सड़क इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे 18, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। आपको बताना है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का संगठन किया गया था। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा ए, गोईपोरिया समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, 19 में है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब किया गया। आपको बताना है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब किया गया। 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में किया गया था। प्रश्न संख्या 20 देखना है, 20 में है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। आपको बताना है देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, NH-47A सबसे छोटा राजमार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न 21 है, 21 में बताना है आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। आपको बताना है आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है कब। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, 22 में है किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया। आपको बताना है किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया। अगर 22 को आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कांडला को घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, 23 में है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है। आपको बताना है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है। 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीडी देशमुख साहब से थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, 24 में है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। आपको बताना है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री जो थे कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह जो थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, 25 में है प्रथम फील्ड मार्शल कौन है। आपको बताना है प्रथम फील्ड मार्शल कौन है। 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल मानिक शाह जो थे प्रथम फील्ड मार्शल थे। प्रश्न संख्या 26 बताना है आपको, 26 में है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है। आपको बताना है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहां पर स्थित है। 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गवासला में स्थित है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, 27 में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। आपको बताना है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में जो है सड़कों का सर्वाधिक लंबाई है। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, 28 में है सड़कों का न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। आपको बताना है सड़कों का न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में है जो सबसे न्यूनतम है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 29 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है। आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SBI जो है व्यापारिक बैंक है भारत का सबसे बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 30 देखेंगे, 30 में है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की स्तुति किस समिति ने की थी। 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी समिति ने किया था। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, 31 में है देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है। आपको बताना है देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या आपको बताना है। 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे, 32 में है
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रांड टैक रोड के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, 33 में है, भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है भारत में वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, 34 में है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन है। 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरडी कटारी जी साहब थे भारत के नौसेना का प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न 35 है, 35 में है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? आपको बताना है भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति साहब होते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, 36 में है, भारत के प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई? आपको बताना है भारत में प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी। अगर आप लगा रहे हैं 36 का ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद से नैनीताल चलाया गया था। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, 37 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। आपको बताना है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब किया गया था। 37 का अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1931 में किया गया था। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, 38 में है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? अगर 38 का आप लगा रहे ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1955 में किया गया था। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, 39 में है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है। 39 का अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुब्रतबोध मुखर्जी साहब होते हैं। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, 40 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? आपको बताना है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया। अगर 40 का आप लगा रहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1921 में किया गया था। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, 41 में RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपको बताना है RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर 41 का ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1921 में किया गया था। प्रश्न संख्या 42 है, 42 में है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आपको बताना है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। अगर आप 42 का लगा रहे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे और लास्ट, 43 में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? आपको बताना है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। अगर 43 का आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग के वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाइएगा और अपना दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।